नमस्कार, केएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। आज तीसरे चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र का माहौल जिला पंचायत से लेकर तहसील स्तर तक दिखाई दिया। ग्रामीण क्षेत्र से कई लोगों द्वारा सरपंच पद के उम्मीदवारों के सरपंच पदों के लिए आवेदन दिया और फॉर्म को भरा गया। ग्रामीण क्षेत्रों से कई लोगों ने अपने भाग्य को आजमाने के लिए सरपंच पद का फॉर्म भरा गया। क्षेत्र में चुनावी हलचल जिले के अंतिम छोर गांधी सागर से लेकर चुनावी रण में उतरने वाले मनीष परिहार, खुदी राम विश्वास गांधी सागर, जगदीश दयामा बड़ोदिया द्वारा सरपंच पद के लिए अपना भाग्य आजमा रहा है। आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी कई लोगों ने सरपंच पद के लिए ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरकर सरपंच का आवेदन किया गया है। वहीं जिला पंचायत चुनाव के लिए भी कई लोगों ने भी भाग्य को आजमाते उम्मीदवारी जताई है। गांधी सागर से आज सरपंच के लिए आज उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, तो आप अगर जीतते हैं तो आपकी क्या रहेगी? पहली बात तो है कि मैं खड़ा होने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, पर आम जनता की मांग पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और गांधी सागर में जो जो समस्याएँ चल रही है उसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा कि एक तो स्वच्छता अभियान के तहत जो कार्य अधूरे चल रहे हैं उनको पूरा करवाया जाएगा, और जनता के जो अमूल्य वोट से अगर मेरे को जीत की पूरी उम्मीद है, जीत मिलती है, तो मैं पूरा कार्य करवाने का भरसक प्रयास करूँगा। गांधी सागर में देखा गया है कि कई लोगों का आवास ही नहीं, तो अगर उनको आवास नहीं है तो उनका आवास किस प्रकार से? आवास के जो पात्र लोग हैं उनको पूरा प्रयास करके उनको पात्रता के आधार पर उनको बिल्कुल दिलवाए जाएंगे और उनका जो अधूरा कार्य वो पूरा किया जाएगा। नल जल योजना के तहत क्या कार्यक्रम? नल जल योजना में जो अभी गांधी सागर नंबर 3 और 8 दोनों पर समस्या है, पानी सही से नहीं आ पा रहा है, तो उसके बारे में भी जो नल जल योजना अभी लागू करवा कर उसको पूरा किया जाएगा कार्य को। आपका नाम? मनीष परिहार। आज आपने सरपंच के लिए नामांकन करा है, तो आपके क्या विशेष, वो जीते हैं तो क्या आपके प्रमुख हो रहे? गांधी सागर हमारे तहसील के अंदर एक कोने में पड़ता है और नदी के किनारे रेखे भी मूलभूत सुविधाओं से अभी भी लोग वंचित हैं। हमारा मूल उद्देश्य रहेगा गरीब तबकों को मूल रूप से उनका हक के लिए हर प्रकार से प्रयास रहेंगे। साथ ही नल जल जो योजना है हर घर में एक प्रमुखता से देने की है, उसके साथ में सारे जो वंचित लोग हैं उनके लिए हर प्रकार से मेरी मिसेस पूर्व में सरपंच थी, उसके अनुभव का मुझे अभी फ़ायदा लोगों को दिलाना है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होने के कारण मुझे विशेष कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। मैं चाहूँगा ग्राम पंचायत के गांधी सागर के लोग मुझे उनके अमूल्य वोट देकर विजयी बनाए, यही मेरा निवेदन है सभी ग्रामवासियों से। आपका नाम? खुदीराम विश्वास। हाँ, सरपंच का आवेदन करना है। हम ग्राम बड़ोदिया से आए हैं और नावली पदारे सारी जनता के लेकर आए हैं, और गांव का विकास करने के लिए हमारी जनता चुनरी है, इसलिए हम आए हैं। किस प्रकार से आप गांव का विकास करना चाहते हैं? गांव का विकास से करना चाहते हैं हम, जहाँ जिनमें बात शौचालय नहीं है तो शौचालय बनाएंगे, गांव के स्वस्थ बनाएंगे, पानी की कमी है तो पानी के लिए नल योजना भी कराएंगे, टंकी पास करवाएंगे, जहां भी जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम 50 लोग इकट्ठे होकर हम जाएंगे और पानी के लिए घर घर नल लगाने की पूरी प्रयास करेंगे। देखा गया कि आपके गांव के अंदर स्वच्छता को लेकर काफ़ी कमियां रही है, उस विषय में क्या कहेंगे? तो उसमें जो कमियां रही है उसको पूरी करेंगे हम, जो भी कमी होगी तो किस प्रकार से पूरी करेंगे? जो भी सरकार से मांग करेंगे, जो भी जहां जरूरत पड़ेगी उनकी, वो अवश्य 5-25 लोग इकट्ठे होकर उनके सबको साथ लेंगे, जो पहले की कमी होगा तभी निकालेंगे, तो अच्छी पंचायत बनाएंगे। मंदसौर जिला में ऐसा सोच है हमारा कि सबसे बड़ी अच्छी पंचायत बनाने का मेरा सोच है, नंबर 1 पंचायत बना के छोड़ू। क्या नाम है आपका? जगदीश दायमा बड़ोदिया।